अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 17 जुलाई फ्राइडे यानी जुम्मे का दिन है, और इस वक्त जो आप मेरे ऑफिस पर आप बहन आई है जो बेवा है, ये तलबकट्टा नशीमन नगर में रहती है, लेकिन एक्चुअली रहने वाली है कलकत्ते की, लेकिन इनके शौहर इनके बच्चे ये यहाँ पर आकर काम करते थे, जो कलकत्ते से हैदराबाद में आए हुए थे, तलबकट्टा नशीमन नगर में रहते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 15 दिन पहले ही ये बहन के शौहर का इंतकाल हो चुका है, और ये बहन को 5 बच्चे 4 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बच्चे की इनकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से बच्चे को घर पर छोड़ के आई है। पिछले 2 घंटे से बहन रोते हुए मेरे ऑफिस के पास बैठी हुई है। मैं ऑफिस पर नहीं थी तो 2 घंटे से बहन मेरा वेट कर रही थी, और जब मैं ऑफिस पर आई तो पूरा ये बहन मुझे पूरी स्टोरी इनकी पूरी बताई है कि इनके शौहर का 15 दिन पहले ही बेचारी के शौहर का इंतकाल हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, इनके आधार कार्ड्स मेरे पास है पूरे इनके शौहर के, और ये बहन का आधार कार्ड है, इनके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स है। तो ये बहन चाहती है कि ये बहन अपने शौहर के इंतकाल के बाद अब यहाँ पर रहना नहीं चाहती, अपने बच्चों को लेकर ये अपने लोगों में, जैसे कि इनके भाई वगैरह सब कलकत्ते में रहते हैं, तो ये बहन अपने भाइयों के पास वहां पर जाना चाहती है कलकत्ता। लेकिन इस वक्त इनके पास एक पैसा नहीं है, यहाँ तक कि खाने के लिए तक भी पैसे नहीं है। इनके शौहर के इंतकाल के बाद भी पड़ोस के लोग मिलकर इनके शौहर की ज्यारत वगैरह कर रहे हैं, और ये बच्चों को भी इस वक्त भी इनके घर में खाने के लिए नहीं, तो पड़ोस के लोग इनके लिए खाने का इंतजाम करते हैं, रोज 1 टाइम का खाना खा रहे हैं ये लोग। और ये बहन चाहती है कि इनके बच्चों के लिए टिकटों का इंतजाम किया जाए, इनके लिए टिकट का इंतजाम कर देंगे, तो ये बहन अपने बच्चों को लेकर कलकत्ता जाना चाहती है, लेकिन इनके पास टिकट के पैसे नहीं है। ये अपने बच्चों के साथ कलकत्ता जाकर वहां पर अपनी जिंदगी जीना चाहती है अपने बच्चों को लेकर। तो ऐसे हालात में बहन इतना रो रही है, बेचारी बहुत तकलीफ में है, बहुत आसुरदा है बेचारी, बहुत टेंशन में है। तो आप लोग जैसे चाहे इनके लिए मदद दे सकते हैं। बहन को 15,000 रुपए की मदद की जरूरत है, जिसमें टिकटों का, खाने पीने का, इनके खर्चे अखराजात जो भी रहेंगे, वहां जाने के बाद भी बहन को थोड़ा टाइम लगेगा अपने आप को वहां संभालने के लिए, तो 15,000 रुपए की इनको मदद की जरूरत है। देखिए बेचारी इतना रो रही है, इतनी तकलीफ में है, शौहर मर के सिर्फ 15 दिन ही हुआ है, मासूम बच्चों के या 3 बच्चे हैं। आप लोग जैसे चाहे इनके लिए मदद दे सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट भी आकर मदद देना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आकर मदद दे सकते हैं, 1,000 2,000 3,000 जो चाहे आप लोग इनके लिए मदद का इंतजाम कर सकते हैं। इस वक्त देखिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बेचारी बहुत रो रही थी बहन। बोलिए, हमारे शौहर का इंतकाल हो गया है, 15 दिन हो रहा है, हम कलकत्ता जाना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, 5 4 बेटे एक बेटी है, तो हम कलकत्ते जाना चाहते हैं, हमको कुछ मदद चाहिए, हमको मदद, आप लोग सब मिलके हमको मदद कीजिए, हम वहाँ रहना चाहते हैं, कलकत्ते में रहना चाहते हैं। बेचारी देखिए छोटे मासूम बच्चे हैं, बाप नहीं है इनके सर पे, बाप का साया नहीं है, बहुत परेशान है बेचारी। तो आप लोग देखिए जैसे चाहे मासूम बच्चों की मदद करेंगे तो बराबर अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा, और जितनी जल्दी हो सके इनकी मदद कर इन्हें कलकत्ता भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, आप लोगों की दुआएं होना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज़, जय हिंद।